ग्रेटर नोएडा के मॉडल पर बनेगा ग्रेटर आगरा, कितनी जमीन पर बसाया जाएगा ग्रेटर आगरा, ग्रेटर आगरा के लिए कैसे होगा कंसल्टेंट का सिलेक्शन, कितने वर्षों की प्लानिंग से बनेगा ग्रेटर आगरा। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर सकें। दोस्तों, ADA यानी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को और सुंदर बनाने के प्लान पर काम कर रही है। योजना है 612 हेक्टेयर जमीन पर ग्रेटर आगरा बनाने की। इस शहर को भविष्य के शहर के तौर पर बनाया जाना है। चर्चा है कि इसे ग्रेटर नोएडा के मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष ग्रेटर आगरा को लेकर काफी उत्साहित हैं। 5 जुलाई 2021 को ADA उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने नया शहर बसाने की तैयारियों के तहत दूसरे अफसरों के साथ आगरा में इनर रिंग रोड के पास प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। ये जमीन रायपुर और रहनकला के पास है। इस दौरे में कई बिल्डर्स भी उनके साथ थे। दौरे का मकसद था आम नागरिकों और बिल्डर्स को जमीन का निरीक्षण करवाना। ये निरीक्षण बुढ़ाना और रहनकला तक किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने जमीन की बाउंड्री चिन्हित की। इसके साथ ही एतमादपुर मंडरा के पास लैंड पूलिंग स्कीम के तहत भविष्य की योजना पर भी मंथन किया गया। 80 से 100 हेक्टेयर जमीन को लैंड पूलिंग के जरिए यूज करने की संभावना पर विचार किया गया। ग्रेटर आगरा को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार किया जाएगा। ग्रेटर आगरा में बेहतरीन हाईटेक टाउनशिप समेत सभी सुविधाएं होंगी। ग्रेटर आगरा का काम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वर्ल्ड क्लास फर्म को सौंपा जाएगा। इस योजना में काम अगले 100 साल के हिसाब से होगा। ग्रेटर आगरा में रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। स्टेडियम के लिए भी जमीन की व्यवस्था की जाएगी। ADA उपाध्यक्ष के मुताबिक ये शहर विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा।